दुश्मन के हाथ में औजार दोगे तो आपकी जो रोजी रोटी चैन से किसान का मेरा खा रहा है उनकी रोजी रोटी भी छीन लो, वो लेबर आईपीएस बन रही है तो वो भारतीय संविधान में जो महिलाओं को अवसर मिले उसकी वजह से मिल रही है। और आज अगर हमारी बहनें विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनी है आज एक वंचित वर्ग की महिला, तो ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से हो रखा है। मैं बात आपसे क्यों कह रहा हूं, जब 14 अगस्त को जो हालात देश की थी, 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद भी वही हालात थे, 26 जनवरी 1950 को संविधान ने आश्वस्त किया कि देश के हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान के साथ, अधिकारों के साथ जीवन को मिलना चाहिए, जीवन उनको जीने का अवसर मिलना चाहिए। जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन मिलनी चाहिए, जिनके पास घर नहीं था उनको घर मिलना चाहिए, जिनके पास रोजगार नहीं था उनको रोजगार मिलना चाहिए, जिनको पढ़ने के अवसर नहीं थे उनको पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, जो असमानता जातिवाद के शिकार थे उनको भी सार्वजनिक रूप से घूमने फिरने और नौकरी अवसर, रोजगार करने के अवसर मिलने चाहिए, जिनको उद्योग धंधे नहीं उनको उद्योग धंधे मिलने चाहिए। इसके लिए भारत में लोकतंत्र आया कि देश की आम जनता तक उनके वास्तविक अधिकार कैसे पहुंचे। जमीनें नहीं थी आपके पास, जिन जमीनों के लिए आप लड़ रहे हो ये जागीरदारों के पास हुआ करती थी, फिर बाबा साहब अम्बेडकर साहब छोटू राम साहब ने लड़े, आज उन्हीं की संतानें यहां बैठी हैं, वो लड़े और जमीनों के लिए लड़े कि जमीन मिले गरीब को, जमीन उसको मिले जो खेती कर रहा, और फिर भूमि जमींदार हुई, आंदोलन हुआ, जमींदारी जो कानून था वो खत्म हुआ, कमजोर वंचित वर्ग के लोगों पे जमीन आई, तब आपने खेत में हल चलाया। और आज उन जमीनों को जो आपको आजादी के बाद मिली उनको ये सरकारें छीनने का काम कर रही, और इनका एकमात्र मकसद ये है, आप नहीं समझ रहे हो, कि जो रोजी रोटी चैन से किसान का मेरा खा रहा है उनकी रोजी रोटी भी छीन लो, वो लेबर क्लास बन जाए, बड़े बड़े धन्ना सेठ पूंजीपति इनकी फैक्ट्रियां लगे, इनके बड़े बड़े व्यापार लगे, इनके बड़े बड़े मॉल बने, और आपको हर एक चीज के लिए इनके पास गिरवी रखना पड़े अपना घर बार, और इनके यहां जाके आपको रोटी मांगनी पड़े। एक किसान पैदा करता है बंजर भूमि को, मेरे पिताजी प्रेमरी स्कूल के हेडमास्टर थे और उन्होंने मुझे सिखाया, वो खेती भी करते थे, रात को जाके पानी देते तब जाके फसल पैदा होती, फिर प्राकृतिक मार है, फिर चोर भी ले जाता है, तमाम तरह की मुसीबतें हैं, उसके बाद फसल तैयार होती है, एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। आप लड़ रहे हो आपकी जमीन छीन गई, किसकी वजह से छीनी आपको नहीं पता, मैं तो नवलगढ़ की जनता पे वो कर रहा हूं, भाई मेरी बात पे गौर करना आप सब लोग। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जिनकी ज्यादा संख्या उनका राज होगा, जो बहुसंख्यक लोगों के उनका राज होगा, यही तो लोकतंत्र है ना, कि जिनकी वोट ज्यादा होगी उनका राज होगा। आपने तो सबसे बड़ी लड़ाई कमजोरी ये कर दी कि जिनके 10,000 वोट है उनका विधायक बन रहा है, जिनके 80,000 वोट है वो बैठ के तमाशा देख रहे थे, देखो क्या किया आपने। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोग नहीं, मैं सब बन सकते हैं, लेकिन आप ये बताओ, अगर दुश्मन के हाथ में औजार दोगे तो आपका इलाज करेगा नहीं करेगा बताओ। अब आज उसी के लिए तो परेशान हूं मैं वापिस आता हूं। मैं जब आ रहा था हमारे साथी यहां से भी कह रहे थे, एक साथी हमारे बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने ये कह देंगे कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, संविधान तो क्या नाम बताया उनका, ए भैया छोड़ो वीरवार मत बताओ, सुनो बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे जिंदा है, इतिहास नहीं भूगोल में बदल देंगे भूगोल। ऐसे गुंडे मवाली बहुत देखे हमने, समझ रहे हो, हमारा मन नहीं था जाने का वहां, तुम्हें सच बता रहे हम किसान कमेरों की औलादे, हमारा मन नहीं था वहां जाने का, इसलिए जाने का मन नहीं था, आपके बीच में आने का मन था, वरना भाई लोग यहां बैठे हैं, अगर जाने का मन होता तो वो क्या वो डंपर अंपर लगाए थे, वो डंपर अंपर पलट के जाते भीम आर्मी, आप जानते नहीं किसान, यहां जो बैठे हैं वो जानते हैं। मैंने कहा कि रुक जाओ, तुम्हें लगता है कि हम आजाद हैं, है या नहीं, तुम्हें लगता है ये डंपर रोक लेंगे क्या हम, सुनो हम यहां आए क्यों हैं,
हमारा असल मकसद वो नहीं है। भाई ने बताया जब मेरी बात की शुरुआत कर रहे थे कि मैं माल्यार्पण का विरोध नहीं, मैं माल्यार्पण का विरोध नहीं करता, मैं माला पहनने का विरोध करता हूँ। माल्यार्पण तो मैं अपने महापुरुषों को करता हूँ, इसलिए करता हूँ, उनका कर्ज है हमारे ऊपर, उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, वो हमारे लिए लड़े, संघर्ष किया, एक एक अधिकार के लिए जो आंदोलन किया, लाठियां खाई। हम क्रांतिकारियों के बच्चे हैं, हमें इस बात पे फख्र है, देश में किसान के मेरे भी औलादे हैं। लेकिन मैं माला इसलिए नहीं पहनता कि जिनके समाज के लोग यहाँ, जैसा भाई ने एक स्पीच में बताया कि बहनों को खींचा गया, उनको पीटा गया, गाड़ियों में भरा गया, ये लड़ाई यही नहीं चल रही है देश में। वहां देखो आप जंतर मंतर पे क्या हुआ, पहलवान बेटियों के साथ किस तरह का अन्याय किया गया देखा आपने, कल हरियाणा में किसानों के साथ किस तरह का अन्याय किया गया, वहां के नेता सारे उठा के बंद कर दिए, किस तरह पीटा गया, एक किसान शहीद हो गया। आपको लगता है मांगने से अधिकार मिल जाएंगे? अब तक आपकी समझ में नहीं आया कि अधिकार कैसे मिलेंगे, अधिकार छीनने पड़ते हैं, छीनने, और छीनने के लिए दम चाहिए।